अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंसर यू। नाज़रीन, इस वक्त हम ठाठरी में मौजूद हैं। जिस तरह दिन में आपको एक खबर से हमने आगाह किया था कि ठाठरी के अंदर नई बस्ती के मकाम पर कुछ मकान और एक मस्जिद जो है वहां से क्रैक होकर खिसक रही है और वो आने वाले टाइम में कभी भी गिर सकते हैं और वहां पर जो है लोगों ने उन मकानों को वैकेट भी कर दिया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उस वक्त लोगों का काफ़ी हजूम जो है उनने प्रोटेस्ट भी किया और डिमांड भी की थी और आखिर में आपने देखा होगा जिस तरह से एसडीएम ठाठरी ने कहा था कि डीसी डोडा और उनके हमरा एक टीम जो है विज़िट करेगी और इस वक्त जो है डीसी डोडा ने यहाँ पर विज़िट किया और उन मकानों का भी दौरा किया जो क्रैक मकान थे जहाँ जहाँ से लोगों ने वैकेट किया हुआ था, उन जगहों का भी दौरा किया और मस्जिद का भी दौरा किया और उसके बाद जो है चिनाब टाइम्स से भी बात करते हुए उन्होंने जो है एश्योरेंस दी है कि इस पर जो है जल्द से जल्द एक्शन होगा और जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है या बाकी चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। देखिए जी, ये हमारे एसडीएम साहब ने हमें बताया था कि कुछ घरों में क्रैक्स बड़े लेवल के डेवलप हुए हैं, तो मैं एसएसपी साहब के साथ, मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी हैं और नेशनल हाईवे के जियोलॉजिस्ट भी हमने बुलाए हैं। हमने इनको कहा है कि एक एग्जैक्ट असेसमेंट करके बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज़ कॉजिंग दिस। अभी हमने ऊपर से देखा है कि 5-6 घर हैं जो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जिनमें क्रैक आए हैं, विच इंक्लूड्स अ मॉस्क ऑल्सो। तो हम इसको देख रहे हैं, इसमें उचित कार्रवाई इमीडिएट की जाएगी। ये कल, अब रात हो चुकी है, ये कल सुबह तक असेसमेंट करेंगे क्या क्या कॉजेज हैं। वी विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल एज ऑल्सो टू इंश्योर दैट दे आर नॉट पुट टू एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। उसमें FIR हैज बीन लॉज्ड एंड नेसेसरी एक्शन अंडर लॉ विल बी टेकन, द लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। थैंक यू सो मच।